केंद्रीय मंत्री और आरएसएलपी नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से दिया इस्तीफा। इस फैसले से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। देश के सबसे बड़े दूरसंचार कंपनी एयरटेल के कार्यालय को बंद करने का आदेश। एयरटेल को 1.5 करोड़ यूरो का जुर्माना। ताजमहल का दीदार हुआ महंगा। 10 दिसंबर से 5 गुना लगेगा चार्ज। 50 रुपए की जगह पर्यटकों को 250 रुपए देने होंगे। फरवरी से पहले नहीं चलेगी सेक्टर 62 तक मेट्रो। फिनिशिंग और अंतिम स्टेशन पर निर्माण कार्य अधूरा। ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की आपस में भिड़ंत। तो दोनों वाहनों के चालकों की मौत। लगभग 1 दर्जन लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के सूरज नगर मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों वाहनों के चालक की मौत हो गई है और पिकअप सवार लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें सहगीर की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मार्ग पर जाम की स्थिति हो गई है, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें हमारे पास 4 इंजर्ड आए थे और 1 ब्रॉड डेड आया था। बाद में 1 ब्रॉड डेड और आया है और सूचना है कि शायद लगभग 1 दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए होंगे, जो अन्य अस्पतालों में भी गए हैं। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, 1 ब्रॉड डेड पहले सुबह हमारे पास। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का साथ छोड़ दिया है। उनके इस फैसले से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख पिछले कुछ सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी और उसके अहम सहयोगी दल के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। आरएलएसपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने के भाजपा के संकेतों के बाद से कुशवाहा नाराज चल रहे थे। रालोसपा अब विपक्ष से हाथ मिला सकती है, जिसमें लालू प्रसाद की आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। बिहार से लोकसभा में 40 सांसद आते हैं। नाइजर ने शनिवार को 10.7 करोड़ डॉलर के बकाए टैक्स को लेकर देश के सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरटेल के कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। एयरटेल भारतीय एयरटेल समूह के अनुषांगी सब्सिडरी कंपनी है। राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक के मुताबिक एयरटेल 2001 से नाइजर में है और उसके पास 51% की बाजार हिस्सेदारी है। एयरटेल के एक कर्मचारी ने बताया कि टैक्स विभाग के अधिकारियों ने हमारे मुख्यालय को सील कर दिया और हमें परिसरों से छोड़ना पड़ा। एयरटेल को 1.5 करोड़ यूरो का जुर्माना भरने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया था। कंपनी और टैक्स विभाग की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी। गौरतलब है कि पिछले दिनों दूरसंचार दिग्गज भारतीय एयरटेल के सहयोगी कंपनी एयरटेल अफ्रीका ने निदेशक मंडल के गठन की घोषणा की थी। ताजमहल का दीदार अब महंगा हो गया है। 10 दिसंबर से ताजमहल में टिकट दर की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 रुपए की जगह ताजमहल का दीदार करने के लिए देशी पर्यटकों को 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि विदेशी नागरिकों को अब 1300 रुपए देने होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ताजमहल पर भीड़ प्रबंधन के लिए ये नई टिकट व्यवस्था लागू की जा रही है। ताजमहल का टिकट 10 दिसंबर से महंगा होने जा रहा है। अभी तक देशी पर्यटक 50 रुपए और विदेशी पर्यटक 1100 रुपए में ताजमहल का दीदार करते थे, लेकिन अब देशी पर्यटकों को 250 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपए प्रति टिकट देने होंगे। 200 रुपए का यह शुल्क शाहजहां और मुमताज की कब्र वाली मुख्य गुंबद तक जाने के लिए लगाया गया है।
इस बार का संसद सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि एक तो 11 दिसंबर को 5 राज्य के नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे खास मायने रखते हैं। कांग्रेस एग्जिट पोल से काफी उत्साहित है। 11 दिसंबर को शुरू होने वाली संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सदन सुचारू रूप से चल सके इसलिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी अलग अलग बैठकें बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं और अब वो हर बार विपक्ष से सहयोग की अपील करते हैं। हालांकि 11 दिसंबर को संसद की कार्यवाही केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के कारण नहीं चल पाई थी। बता दें कि इस बार का संसद सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। नोएडा फरवरी से पहले नहीं चलेगी सेक्टर 62 तक मेट्रो। फिनिशिंग और अंतिम स्टेशन पर निर्माण कार्य अधूरा, इसी महीने नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सिटी सेंटर से सेक्टर 62 तक मेट्रो का सफर करने के लिए आपको इंतजार करना होगा। नोएडा प्राधिकरण ने दोनों परियोजनाओं को एक साथ शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन सेक्टर 62 मेट्रो अगले साल फरवरी से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर एनसीआर की मेट्रो परियोजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू हो पाना मुश्किल लग रहा है। निर्माणाधीन कॉरिडोर पर अक्टूबर में ट्रायल शुरू किया जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दिसंबर अंत या फिर जनवरी से ट्रायल शुरू होगा। बहराइच नानापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान हथियार बनाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हो गए। वहीं फैक्ट्री से पुलिस ने 12 बोर बंदूक, तमंचा और हथियार बनाने के तमाम उपकरण बरामद किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन। नानापारा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। असवा मोहम्मदपुर गांव में एक असलाह बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक 12 बोर की पूरी बनी हुई बंदूक और 12 बोर का एक देसी तमंचा और असलाह बनाने के कई उपकरण बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। देश के 115 और यूपी के 8 अति पिछड़े जनपदों में शामिल चंदौली को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सौगात मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तहसील के महवा गांव में नेशनल हाईवे 2 के किनारे ट्रॉमा केयर सेंटर का शिलान्यास किया है। इस ट्रॉमा केयर सेंटर के शुरू हो जाने के बाद चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर सहित बिहार के भी कई जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से मरीजों का बोझ भी कम होगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस ट्रॉमा सेंटर को? आपने सुना ही, हिंदुस्तान में 85 ट्रॉमा सेंटर, यूपी में 13 ट्रॉमा सेंटर में शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने आके मौके पर और सर्वोच्च लेवल का घोषित करते हुए हाई लेवल का ट्रॉमा सेंटर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी NH2 के किनारे जो ट्रॉमा सेंटर, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने 40 बिस्से की जमीन उपलब्ध कराई है, ये ट्रॉमा सेंटर चंदौली लोकसभा, चंदौली जनपद, पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ये अपने आप में आज बहुत उल्लास कर दिया। और क्या क्या दिया है मंत्री जी? इसके अलावा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत इस जिला अस्पताल चंदौली और जितने इस पार उस पार CSC है, उसका उच्चीकरण के लिए जो प्रस्ताव जाएगा भारत सरकार तुरंत स्वीकार करेगी। सर, ये ट्रॉमा कोखराज थाना के पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बिहार से कई ट्रक में भरकर मवेशियों को उन्नाव के स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी किया तो पशु व्यापारियों ने 3 ट्रक और 1 कंटेनर को नेशनल हाईवे किनारे नमई गांव के पास खड़ी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और कंटेनर की तलाशी लिया, उसके अंदर से 101 मवेशी बरामद हुए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 लोग भागने में सफल रहे। पूछताछ में बताया कि वो मवेशियों को उन्नाव स्लॉटर हाउस लेकर जा रहे थे। मवेशियों को बरामद करने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि पकड़े गए मवेशियों को पशु क्रूरता के तहत बंद किया गया है। नीचे बनाना
गढ़वा झारखंड से लेके रोल है नारो। ये तुम जानवर लेके कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? गढ़वा झारखंड से जानवर लेके आए हैं, उन्नाव कानपुर जा रहे थे। कितनी गाड़ियाँ थी, कितने जानवर थे? चार गाड़ियाँ थी और हमारे में तो 32 टन, बाकी सब में कितना है हमको नहीं पता। हमारी गाड़ी जो है मुझे क्या इसका लाइसेंस वगैरह था तुम्हारे पास? लाइसेंस वगैरह नहीं था, इसकी रसीद थी, रसीद है। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है आपके जरिए और आज कल ही की डेट में इतनी ज़्यादा मात्रा में पकड़े गए मवेशी, क्या है पूरा मामला? थाना कोखराज में चार टैंकर बड़े मवेशियों से भरे हुए भैंस थी, उसमें कोई प्रतिबंधित पशु नहीं था, लेकिन काफ़ी क्रूरता के साथ उनको भरा गया था। ये पकड़े गए हैं, 100 से ज़्यादा मवेशी हैं, इनको कब। यूपी के शाहजहांपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक कलयुगी टेटी ने अपने बुजुर्ग मां को कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद मृत पाई गई, जिसके बाद भूख और बीमारी के चलते महिला की बंद कमरे में दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ताला तोड़कर बुजुर्ग महिला के शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बलदेव सिंह खेंदड़ा, CEO। ये सदरबाड़ा थाना क्षेत्र की ये रेलवे कॉलोनी है, ये एक टीटी का मकान है सरकारी, और इसमें वो टीटी अपनी माँ के साथ रहते हैं। माँ की उम्र लगभग 90 साल के लगभग लग रही है। ये बताते हैं कि टीटी को शराबी प्रकृति का था और ये यहाँ पर नौकरी वोकरी भी नहीं करता था, एब्सेंट चल रहा है। और इनकी माँ का ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था इसने नहीं कर रखी थी, तो ये यहाँ पड़ी रहती, हो सकता है बीमारी भी रही हो, तो इस वजह से ये टीटी अपना यहाँ से गायब हो गया है था कुछ दिन पहले, क्योंकि ना तो वो नौकरी करता था और ना कोई काम कर रहा था। तो लगता है कि भूख से और शायद जो है ठंड की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो क्या पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ, अब चूंकि पुलिस को इसकी सूचना मिली है तो मृत्यु का जो है सही पता लगाने के लिए हमको पोस्टमार्टम। दूसरी चरण के ग्राम पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर मतदाता के बीच व्यापक हिंसा देखने को मिली। करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की कोशिश में पार्टी समर्थकों के बीच हुई झड़प। कई जगह पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर स्याही डाला तो कई पर बैलेट पेपर लेकर निर्दलीय उम्मीदवार भागे, जिसके वजह से समय समय पर वोट लेना रद्द हो गया। करीमगंज जिले में 59% मतदान होने की खबर है। राष्ट्रीय रजिस्टर सिटीजन NRC के काम पूर्ण गति में चल रहा है। असम राज्य के साथ लखीमपुर जिले में भी जिले की लगभग सभी NRC सेवा केंद्र में जिला उपायुक्त खुद खबर ले रहे हैं। आपको बता दें कि पहला और दूसरा ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 2,90,00,000 लोगों नाम NRC में शामिल है। सबमिट कर रहा है, जिसका नाम नहीं आया था वो ड्राफ्ट में, सेकंड ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट में जिसका नाम नहीं आया था उन लोग सबमिट कर रहा है अभी। सबमिशन ऑलमोस्ट 80%, 20% का काम बाकी है, सबमिशन बाकी है, मतलब आ रहा है ये 5 दिन में तो हो जाएगा सर। हम लोग का यहाँ तो अधूरा नहीं पड़ना चाहिए, हो जाना चाहिए। पहले जो दिया था उन लोग को तो जो अखिल किया उन लोग को नहीं चाहिए, जो नहीं दिया उन लोग दे रहे हैं। 2015 साल से 31 अगस्त पहले का डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है, तो बात का भी है, दोनों ले रहे हैं। हाँ, दोनों ले रहे हैं। करने का अंतिम तारीख 15 दिसंबर रखी गई है, जिसको लेकर सारा राज्य के साथ साथ लखीमपुर जिले के जितने भी NSK है, NRC सेवा केंद्र है, उसमें जनता भीड़ में दिखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखीमपुर जिले की मंगलमोरा NSK 2 में, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है NSK 2 के ऑफिसर बरुआ जी। बरुआ जी से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से यहाँ में दावा और आपत्ति फॉर्म सबमिट कर रहे थे। हालांकि 15 तारीख को लास्ट डेट घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ पर जितनी दावे और आपत्ति का फॉर्म जमा होना था उतनी नहीं हुआ है,
हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और उसमें कोई भूल की संभावना ना हो। लगभग 70% लोग सबमिट कर चुके हैं और 30% से ज़्यादा, शायद से मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, तो 30% से ज़्यादा और सबमिट करना है। और आज देखी गई है जिला उपायुक्त जीवन देवी इसमें तत्पर है काफी। जी सी सर, हर एक एनएसके में विजिट कर रहे हैं और हम बहुत संतुष्ट फील कर रहे हैं कि उन लोगों का सहयोग हम लोगों को, अफसर्स को या जो भी कर्मकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, सभी को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अच्छा, देखिए जिस तरह से 2015 कि 31 दिसंबर काट ऑफ मार्क रखी गई है जो लिंकेज डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आज ऐसा भी दिखने को मिल रहा है कि 31 दिसंबर 2015 के बाद का भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ आदमी लोग लेके लाइन में खड़े हैं। ये लोग आप लोग ले रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग अभी देखिए 31 दिसंबर 2015 से पहले डॉक्यूमेंट देना था, ये नोटिस आ चुका था। हम लोगों ने कई जगहों पर अपने अपने गांव पर गांव सभा मतलब बैठा के उन लोगों को बताया गया था, अवेयरनेस मीटिंग हम लोगों ने किए हैं। और लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2015 के बाद किसी एक कोई दरख्वास्तकारी के पास उससे पहले की 31 दिसंबर 2015 से पहले की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 2018 का बनाया हुआ है, तो वो लोग क्या करेगा, है ना? तो हम लोग वो ले रहे हैं, उपाय तो कोई नहीं है, उसमें उपाय है ही नहीं, तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट है उस बंदे के पास, वो भी बनाया हुआ इस साल का, इस महीने का, तो उपाय नहीं है तो हम वो ले रहे हैं। ये तो लखीमपुर से हम लोग एक आवाज देने की कोशिश की है। सारा आसाम में एनआरसी काम का जो प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है, अभी किस हाल में है, किस नतीजे पर पहुंची है, इसका थोड़ा आवाज देने के लिए हम लोग लखीमपुर से कोशिश की है। लखीमपुर से प्रवीण सोलंकी ने देश के लिए किक बॉक्सिंग खेल में भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। भारत देश खेलों में ऊंचाई को छू रहा है, जिन खेलों में हम मेडल लाने में असमर्थ थे आज उन तमाम खेलों में सिल्वर से लेकर गोल्ड मेडल तक खिलाड़ी जीतोड़ मेहनत से ला रहे हैं। ऐसे ही नाम है प्रवीण सोलंकी का, पुटकला गांव का रहने वाला, जिसने वर्ष 2018 में 5 से 10 नवंबर के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि अर्जेंटीना में थी उसमें किक बॉक्सिंग खेल में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। प्रवीण ने बताया कि किक बॉक्सिंग का खेल ओलंपिक्स में भी शामिल हो गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रवीण सोलंकी। आज हमारे साथ हैं प्रवीण सोलंकी, जिन्होंने भारत देश के लिए अर्जेंटीना में जाके सिल्वर मेडल वर्ल्ड में हासिल करा है और एक किक बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने सफलता हासिल करा और क्या क्या इन्होंने इसके पीछे मेहनत करी है। प्रवीण जी, आपका पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप देश के लिए सिल्वर लेके आए, और क्या आपकी इसके अंदर मेहनत रही बताए थोड़ा। ये जो किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप 5 से 10 नवम्बर के अर्जेंटीना में थी पिछले महीने, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमें काफी दिक्कतों के सामने, जैसे स्टेट खेलना पड़ता है, नेशनल खेलना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है, फिर कैंप से जो काबिल बच्चे होते हैं वो देश के लिए चुने जाते हैं, देश के लिए खेले जाते हैं। तो मैं 5 से 10 नवंबर अर्जेंटीना में गया, सिल्वर मेडल में वहाँ से लेके आया। जो सुरेंद्र बैंक जी ने बताया, अगर शायद आज ये नहीं होते तो शायद मैं चैंपियनशिप में नहीं जाता। तो उसका रीजन यही थी कि बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो सुरेंद्र बैंक की हेल्प की, अगर ये सही समय पे सही डायरेक्शन में सही रूप से मेरे सामने या मुझे नहीं मिलते या मुझे गाइडेंस नहीं करते तो शायद मैं आज चैंपियन नहीं बनता। मैं सारा श्रेय अपनी KFI किक बॉक्सिंग ऑफ फेडरेशन और दूसरे जो सुरेंद्र भाई है, सुरेंद्र पैल जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको देना चाहता हूँ। आपका प्रेरणा सूत्र कौन रहे शुरू से? प्रेरणा सूत्र तो मैरी कॉम है, जो इतनी उम्र में जाके इतनी वर्ल्ड चैंपियन ओलंपियन बनी है। दूसरे प्रेरणा सूत्र है सुरेंद्र पैल जी, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में बहुत कम है, निस्वार्थ, जो निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे भाई हैं बड़े, सुरेंद्र पैल जी, किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके से, आर्थिक रूप से, स्पोर्ट्स के लेवल को लेके, इनको रात को 12 बजे भी कोई याद करता है तो ये तन मन धन से उसके लिए खड़े रहते हैं। भविष्य में आपके क्या प्लान है, क्या गोल है? अभी मार्च में हमारी टीम चाइना जा रही है और उसके बाद रोमानिया अक्टूबर में, और इंग्लैंड है शायद अक्टूबर में, ये हमारे वेन्यू है अभी। और
चार दिन पहले ही हमें सूचना मिली है, फेडरेशन ने हमें सूचना दी गई है कि किक बॉक्सिंग जो है ओलंपिक में आ गई है। ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये उसके लिए काफी 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 बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। सुरेंद्र जी, कैसा लगा है कि ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करके और देश के लिए सेवा लाके, कैसा आपको महसूस हो रहा है? मेरी तो पूरी मुहिम पूरे देश में ग्रामीण आंचल की प्रतिभाओं को इस देश में मुख्य धारा में लेके आना है, और जिसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने प्रवीण है। और प्रवीण को भी कुछ दिक्कतों का सामना आया तो हमने इनको कहा कि आप निसंदेह आप जाओगे और देश की नाम रोशन करके आओगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और वो आज दिन आ गया जिस मेडल के साथ ये देश लौटे हैं, ये आपके सामने है। और जैसे ही मैंने बताया कि ओलंपिक में चली गई है किक बॉक्सिंग, हमारा भी कबड्डी को लेके सपना है, ये भी जल्दी हमारा पूरा होने जा रहा है कि हम भी कबड्डी को ओलंपिक में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें फेडरेशन भी अपना काम करे और सरकार भी अपना काम करे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सुरेंद्र पहल जी सिर्फ कबड्डी को नहीं, तमाम जितने भी खेल है उसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, और इनकी पहल के कारण आज एक सिल्वर हम देश के लिए लाने पाए। कैमरामैन जतिंदर पाल। पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाए गए 44 लाख रुपए मूल्य का शराब बरामद किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करी कर इंडिका कार और ट्रक में ले जाए जा रहे क्रेजी रोमियो ब्रांड के 1000 पेटी शराब बरामद कर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विपिन कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर। हरियाणा से लाई जा रही शराब थी जो क्रेजी रोमियो नाम के ब्रांड से पैक है, और लगभग इसके 1000 वो बरामद हुई हैं, शीशियाँ बरामद हुई हैं। और इन सारे जो पेटियाँ हैं उसमें लगभग 28,000 से ज़्यादा बॉटल्स बरामद हैं, और प्रत्येक की कीमत 90 रुपए के आसपास में है। तो इस विस्की की बाजार में कीमत 44 लाख रुपए के आसपास है। ये अदालत क्षेत्र के बैरकपुर गेट के पास से मुखबिरों की सूचना पर रोक के बरामद हुई है, और तस्करी के द्वारा इसे हरियाणा से ले जाकर और दूसरे राज्यों में बेच। केंद्र की बीजेपी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, किसान गन्ने के भुगतान को लेकर दोनों सरकारों से नाराज है, क्योंकि किसानों को उनके मुताबिक गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में किसानों के संगठन समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकारों के सामने अपनी मांग रखते हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन का एक गुट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए और अपनी मांग रखते हुए कहा कि यदि जल्द किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया गया तो किसान को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक दिन में 2-2 गोलीकांड के मामला सामने आया है। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। इससे पहले एक लेखपाल के द्वारा खुद को गोली मारकर खुदकुशी का मामला आ चुका था। उसके तुरंत बाद गांव अगियुना बुजुर्ग में एक पति द्वारा खुद को गोली मार लेने का मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के गम में खुद को गोली मार ली है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं SP ग्रामीण सुभाष चंद्र। पति और पत्नी का विवाद था, दोनों लोगों ने आपस में विवाद के कारण पिछली रात पति ने अपने गोली मार लिए, जिसका इलाज हो रहा है, और जो तहरीर उसके भाई द्वारा दी गई है अपनी पत्नी खिलाफ थाना प्रभारी द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय सनसनीखेज फैल गया जब मामला शाहजहांपुर कोतवाली चौक के अंतर्गत गोरापुर मिशन फील्ड निवासी लेखपाल सुधीर सक्सेना की संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर लाश मिलने से घर में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। CO सदर बलदेव सिंह कैनेडा ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। ऐसा कि ये सुधीर सक्सेना जी हैं, सदर तहसील में लेखपाल है। काफी दिन से ये परेशान थे और साझे भी रहते थे, उनको नींद न आने की शिकायत थी जसर का परिवार वालों का।
आज सुबह सूचना मिली कि घर पर उन्होंने जो है सुसाइड जैसा कुछ कर लिया है। उस पर पुलिस पहुंची है तो देखा है कि ये अपने बेड पर खून से सने पर सबको गोली लगी है। पास में ही 315 बजे का तमंचा पड़ा हुआ था और घर भी जो है उनके द्वारा बताया कि अंदर से सब ताले वाले लगे हुए थे, उनके जैसे परिवार में कुछ लोगों का है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, फोरेंसिक टीम उसकी जांच कर रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृत्यु के कारण का सही पता लगने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या गोली मारी, क्या किसी दूसरे किसी ने गोली मारी, पता ही नहीं लग पाया। जैसे भक्तों ने कभी देखा बस पापा को। क्या बीमार थे, क्या दवाई ले रहे थे, क्या नहीं तबियत ठीक नहीं थी, एक दिन ले रहे हैं, डर जाता था उनके, उसी की दवाई चल रही है। कभी कभार आवाज हुई तो मैंने सोचा कि पटाखा लगाया, तो मैंने इनको आवाज दी कि सुनो क्या पटाखे दिख रहे हैं महाराज, तो ये बोली नहीं। जब तब हम अभी मेरी उठ के गए तो देखा तो फोन में लगता थी, तो मैंने उनको उठा लिया बस, और मैंने कुछ नहीं दिया। पास में कोई तमंचा या कुछ तमंचा रखा था सर के पास के सर पे रखा जी, और कुछ नहीं देखा, हमने नहीं देखा सर। काम करती रहे तहसील का, तो हम मुझे सो नहीं बोली, तुम लोग सो जाओ मैं काम करूंगा, एक बार ही काम करते रहे बहुत देर तक, तुम्हें सोने भी मुझे नहीं मालूम सर ये कितने बजे उठे। इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।